तुम्हारे मन के खेला टोल नहीं स्मॉल स्कूल में हां 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 और डोकरी डोकरे ना अरे वाला दिन हम कोसना पे बाय ले गए सब खत्म रहे हां हां और दोनों जन नहीं रहिन है वो दिन ना हाथी यही है कहीं और नहीं गया मैं आया तो हाथी निकल गया बड़ा हाथी आया तो छोटा हाथी निकल गया मैं पहाड़ी के टॉप पर ओह पूरी तरह से मैं थक चुका और यहां से मेरे पीछे देखिए नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से आपका मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है और आज हम आए थे जोगी दरहा और जोगी दरहा के पास हमें जो बुधवार में बता रहे हैं इस पहाड़ी के ऊपर एक गुफा है गोयन माड़ा बोलते हैं तो हम इस पगडंडी के सहारे वहां तक पहुंचेंगे देखते हैं कितनी ऊंचाई पर है मतलब इस लोकेशन में ना देखने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं पहले हम दूर दूर जाते हैं घूमने के लिए पर जैसे मैं यहाँ पहुँचा हूँ ना देखा हूँ कि जोगी दरह का आसपास का जो प्राकृतिक नज़ारा है काफ़ी आकर्षक है सुंदर है और इस जोगी दरह के आसपास चारों तरफ आपको पहाड़ियाँ और बीच में एक खुला मैदान तो काफ़ी मज़ा आया और हम लोग धीरे धीरे पहाड़ी पर चढ़ रहे हैं तो हम गुफा खोजते इस पहाड़ी पर धीरे धीरे चढ़ रहे हैं ये रिखी पहाड़ का पीछे वाला हिस्सा है और हाँ जो अच्छा रास्ता हो वहीं से चलबू तो देखिए पूरा रिखी पहाड़ का ये हिस्सा है उसके पीछे वाले हिस्से में हम जा रहे हैं बागमाड़ा साइड से हमें उसका सामने का हिस्सा दिखता है और हम पहाड़ पर पीछे से चढ़ाई कर रहे हैं ये हमारे साथ जो गाइड हैं वो अपना हथियार भी रख चुके शनि राम धनुष के साथ और बंधन डंडा के साथ बुधवार टांगी के साथ तो और कमलेश्वर सर के पास सबसे बड़ा औजार है पानी की बोतल जो बेहद ज़रूरी है इस पहाड़ी पर हमें जाना है मैं कोई दूसरा रास्ता लेता हूँ शाही और जंगली बरह ये सब है ना अरे बाप रे तब तो हमला संभल के जाना पड़ी नहीं छोड़ के भागिया तो हम भूत बन के डराबो कैसे कमलेश तो दोस्तों हम पहाड़ी पर काफी ऊपर चढ़ चुके हैं मैं नीचे का हिस्सा दिखाता हूँ देखिए इधर से हमने चढ़ना शुरू किया है आगे से और खुला जगह मिलेगा हमें ये देखिए ऊपर पहाड़ी दोस्तों उधर आपको जो चट्टान दिख रहा है ना वहाँ हमारे जो कौरवा हैं पूजा करते हैं वो देखिए और वो भी इनका देव स्थान है काफ़ी ऊंचाई पर हैं हम लोग इधर देखिए इस चट्टान पर हमें चढ़ना है देखिए एकदम खड़ी चट्टान है जिसमें पैर रखने के लिए छोटे छोटे क्या कहना चाहिए पदचाप बने हुए हैं और इन पर हमें पैर रखते हुए ऊपर चढ़ना है हम काफ़ी ऊंचाई पर हैं और सांस भी फूलने लगा है ये देखिए पहाड़ी कैसा लग रहा है अब पहाड़ी भी हमसे बौना होने लगा है और काफ़ी ऊंचाई चढ़नी है हमें चलते हैं ऊपर उधर तो मुझे जो पांगो डैम का पानी है ना वो भी नज़र आ रहा है तो ऐसा है यहाँ मेरे साथी काफ़ी ऊपर चले गए हैं मैं भी चलता हूँ धीरे धीरे और इन छोटे छोटे गड्ढे पर हमें
पैर रखते हुए चढ़ना है, तो ये काफ़ी रोमांचक है। कभी और मेरे साथी यहाँ आना चाहेंगे ना तो मैं उनको भी लेकर आऊँगा। पहाड़ियों का कुछ ऐसा नज़ारा है ये, और मेरे सामने ही एक गुफा है, मैं वहाँ आपको ले चलता हूँ। ये इधर मेरे साथी गुफा में पहुंच चुके। अरे वाह, दोनों साइड से खुला तो ये है भाई गुफा, दोनों साइड से खुला, और इससे बड़ा गुफा ऊपर में है, वहाँ भी चलेंगे। आज पूरा जोगी दरहा हमें एक्सप्लोर करना है। यहाँ से क्रॉस करके जाना है आगे? अच्छा, और गुफा है। तो हम लोग गुफे में झुक कर चल रहे हैं, क्योंकि ऊपर अगर मैं उठा सिर फूट जाएगा मेरा। तो इधर सनी राम मेरे सामने हैं, और ये हम आ गए गुफा के दूसरी छोर पर। देखिए यहाँ पर है एक और गुफा, और ये तो और ख़तरनाक है भाई, कुछ भी यहाँ से निकल सकता है और हमें दौड़ा सकता है। ऊपर क्यों है एकदम? ओहो हो, सनी जा सकते? ना ना ना, जाना खतरे से खाली नहीं है। सांप बिच्छू अलग। हाँ ओह, अगर दौड़ के निकल ही तो एकदम हम सामने हैं गुफा के। जैसे ही हमने इसे क्रॉस किया हमें मिल गया यह गुफा, और ना ये बहुत छोटा है, हो सकता है इसमें जंगली बरहा या साही ऐसा कुछ हो, और दोनों ही काफ़ी ख़तरनाक हैं। मैंने दोनों का काटा हुआ देखा है, पूरा जांग फाड़ देता है भाई। तो इससे अच्छा है कि हम थोड़ा दूर ही रहें। निकलते हैं यहाँ से वापस, और इधर देखिए ये ना बहुत बड़ी खाई है, खाई बहुत बड़ी खाई, पूरे साल के जंगल। यहाँ से अगर हम गिरे तो फिर हड्डियाँ चकनाचूर। हाँ, हमने एक्सप्लोर किया, अब चलते हैं हम आगे, थोड़ी और पहाड़ी चढ़ेंगे और हमें एक दूसरा गुफा मिलने वाला है, तो वहाँ चलते हैं अब। देखिए यहाँ पर हमें एक गड्ढा मिला है, इसमें अभी पानी भर गया है। ये कोई आम गड्ढा नहीं है, लोग जब शाही का शिकार करना होते हैं तो इस तरह के गड्ढे बनाते हैं। इधर से दौड़ कर आएगा शाही और इस गड्ढे में गिर जाएगा, और जो शिकारी हैं वो उसे पकड़ लेंगे, तो शिकार का ये भी एक तरीका है। तो दोस्तों हम एक पहिया रास्ता से गोयन गुफा की ओर बढ़ रहे हैं। आप देखेंगे, सनी इधर दिखा कैमरा, कितनी बड़ी खाई है, और इस खाई को हम धीरे से एक पहिया रास्ता से पार कर रहे हैं। तो ये रास्ता है, केवल एक पैर रखने का रास्ता है, और अगर यहाँ से फिसले तो सीधा नीचे मौत इंतज़ार कर रही है आपकी। तो ऐसा है, बरसात के समय यहाँ बिल्कुल ना आए, क्योंकि काई लगी होती है पूरी और बहुत ज़्यादा फिसलन होता है, तो इसलिए बारिश के बाद ही आए हम। बारिश के बाद आए हैं और बहुत ही अच्छा मौसम। सारे लोग धीरे धीरे क्रॉस कर गए। दोस्तों जिस रास्ते को हमने क्रॉस करके आया है ना, वो काफ़ी ख़तरनाक रास्ता है। एक तरफ ऊपर एक पहिया, एक तरफ चट्टान, मतलब एक पाँव, तो एक पाँव ही चलते एक पहिया, अच्छा एक पाँव ही चलता है, और दूसरी ओर बड़ी सी खाई, और हम पहुंच गए हैं दूसरे बड़े से गुफा के पास, वो भी एकदम चट्टान के नीचे है। तो चलिए वहाँ हम चलते हैं। जो दूसरा गुफा है ना वह यहाँ है, इस चट्टान के नीचे। सनी वहाँ पहले ही पहुँच चुका, और अब हम जा रहे हैं उनके पीछे पीछे। ओहो पूरा खुला जगह है। अच्छा अंदर भी जा सकते हैं? ये देखिए इसका ना दरवाजा, सामने का हिस्सा सकरा है लेकिन आगे काफी चौड़ी जगह है। घुसे है का? घुसे है शाही अंदर में? ये तो पंख भी है कुछ कुछ। कहाँ है शाही के पैर के निशान?
अच्छा तो दोस्तों यहाँ अंदर ना शाही हो सकता है, ये उनके पैर के निशान हैं और ये गुफा। सनी अंदर जा रहे हैं और हमारी तो हिम्मत शायद ना हो, ऐसी जगह है। ये सनी जा चुका अंदर टॉर्च लेकर, पर हम नहीं जाएंगे। का है? साही है बच्चा, कैसे जाने? छोटे छोटे पैर। अच्छा पैर के निशान छोटे छोटे है। अच्छा तो पैर के निशान छोटे है मतलब वो बच्चा। अरे वाह, तो जैसा सनी बता रहे हैं यहाँ शाही है, बच्चे के साथ है। तो शाही आप जानते होंगे जिसे हम कहते हैं जाओ मूसा, जिसके शरीर पर पूरे कांटे होते हैं। तो ये है, काफ़ी ख़तरनाक होता है वह, भले ही छोटा हो। और सनी जो है पूरा अंदर चला गया है। अरे बाप रे, और तुमन आ गया यहाँ? हाँ मैं ही खुला के देखे, एक जी रहा है। हाँ और भालू अंदर? फिर भाग गए? मेरा घर है ऐसा। तो ऐसा है, यहाँ शाही है अभी भी। और सनी बता रहा है एक बार जब वो गुफा देखने आया था तो अंदर गुफा में भालू बैठा। तो ऐसा भी हो सकता है आपके साथ, कभी भी जंगल में किसी से भी सामना हो सकता है। तो ये गुफा से हम निकल चुके और आगे और देखते हैं हमें और क्या मिलेगा। ऐसे यहाँ झाड़ियाँ बहुत हैं, पहाड़ नज़र नहीं आ रहे हैं। तो गुफा यहाँ से एंट्री करेंगे और हमारे बुधवार बता रहे हैं गुफे का दूसरा दरवाज़ा आगे पहाड़ी पर खुलता है। तो ऐसा भी है, यहाँ से घुसिए और आगे निकल जाइए, लेकिन वो केवल जानवर निकलते हैं, आप नहीं निकल सकते। दोस्तों यह है गोयन गुफा, दो गुफा दिखाए आपको, गोयन गुफा और आसपास की पहाड़ियों में ना ऐसे बहुत सारे गुफा हैं। और ये पुराने समय में बाघ का माड़ा हुआ करता था, पुराने समय में जब यहाँ बाघ हुआ करते थे तो इन्हीं गुफाओं में वो रहते थे, और इसीलिए इस गांव का नाम पड़ा है बाघमाड़ा। और बाघमाड़ा से हम आ चुके थे आगे, हमने भलाई दादी का घर देखा, उसके बाद हम पता चला कि गोयन गुफा है आगे, तो हम वहाँ पहुँचे और ये दो गुफा हमने अल्टरनेट आपको दिखाया। तो चले इस ब्लॉग में अब इतना ही, अब हम चलते हैं वापस घर की ओर, बहुत मेहनत हो रही है। अगर आपको हमारे ब्लॉग अच्छे लगते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सपोर्ट कीजिए।